है ना, अपना अगला टाइटल ले रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। बिल्कुल, हाँ चैप्टर नया है लेकिन इसके बारे में बातें हम काफी कर चुके हैं। मैक्सिमा एंड मिनिमा में हम लोग ऑलरेडी पहले पैर रख चुके हैं, आप में से कई लोगों को याद होगा। मैंने आपको बताया था बेसिक डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैं आपको बता देता हूं। दो चीजें हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी दो चीजें हम लोगों ने पढ़ ली हैं, सबसे पहले याद दिलाता हूं। बेसिक डेफिनेशन है ना भाई ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। आपको याद दिलाना चाहूंगा कि मैंने आपको यह भी बताया था कि जिससे आप मैक्सिमा मिनिमा बहुत आसानी से बोल देते हैं, दिस इज नथिंग बट लोकल मैक्सिमा। याद है आपको? जिसे आप लोकल मैक्सिमा कहते हैं उसे हम में से कुछ लोग रिलेटिव मैक्सिमा भी बोल सकते हैं। और मैंने आपको यह भी बताया था कि जो रिलेटिव मैक्सिमा होती है वो हमेशा अपने लेफ्ट और राइट के कंपैरिजन में होती है। याद आ गया? नहीं याद आया? मैं याद दिलाता हूं आपको कि इसका डायग्राम हमेशा इस प्रकार से होता है। ये वाला पॉइंट x इज इक्वल टू a होता है, इधर और उधर वाले पॉइंट a माइनस h, a प्लस h होते हैं। a पर हाइट fa होती है, a प्लस h पे हाइट a प्लस h होता है, और इस पे हाइट a माइनस h होता है। और हम लोग नीचे बोलते हैं कि fa जो है वो अपने आप में ऊंचा है fa प्लस h से, और fa जो है वो अपने आप में ऊंचा है f ऑफ a माइनस h से। क्या आपको याद आ गया? तो हम जैसे ही देखते हैं कि अपने लेफ्ट राइट दोनों साइड से एक जैसा साइन रख रहा है तो हम बोलते हैं x इज इक्वल टू a h लोकल मैक्सिमा। याद आ गया आपको? नहीं याद आया? इसके सिवा मैंने आपको एक और पॉइंट भी याद दिलाया था। मैंने कहा था इट इज नॉट नेसेसरी, आपको यह भी पैरेलली समझना चाहिए कि कल को अगर ऐसा है, ये वाला कोई पॉइंट है, ये अगर x इज इक्वल टू a है, ठीक है, और ये अगर a प्लस h है, और ये अगर a माइनस h है। याद आ गया आपको? तो हम कहते थे कि एफ ए जो है वो अपने आप में ऊंचा है एफ ऑफ ए माइनस h से, परंतु एफ ए जो है वो इक्वल है एफ ऑफ a प्लस h से। लेकिन उल्टा नहीं हुआ कि इधर ग्रेटर देन उधर लेस देन, तो अभी क्या a अपने आप में मैक्सिमा का पॉइंट है या नहीं है? है। तो हम लोग बोलते हैं कि x इज इक्वल टू a इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये बात आपको याद आ गई? हम लोग इस पे बात कर चुके हैं ना, मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे, याद हो तो करवा रखे हैं ऑलरेडी। तो हम लोग बेसिक डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, ठीक है, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। अच्छा एनीवे, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के अंदर अगर आपको ये वाली बात याद आ गई, हाँ भाई, तो मैं आपसे कुछ छोटे छोटे सवालात कर लेता हूं, ठीक है। हमारा ये जो चैप्टर है ना, इसका इसका जो स्पेक्ट्रम है कहां से कहां तक फैला हुआ है वो मैं आपको आइडिया देना चाहता हूं। आप लिखते भी रहिए क्योंकि इंसान की फितरत होती है देखना और सुनना दोनों, तो सुनने के लिए जो ऑडियो आपके पास अवेलेबल है डिवाइसेज उनमें मेरी आवाज जारी होगी, ठीक है। तो याद दिला देता हूं कि हम लोगों ने मैक्सिमा मिनिमा के शब्द कहां कहां सुने हैं। हमने इलेवंथ में एएम जीएम में मैक्सिमा मिनिमा सुना है, क्योंकि जब एएम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम कर रहे होते हैं तब भी मैक्सिमा मिनिमा की बात चल रही होती है। इससे पहले हमने इस चैप्टर से पहले किसी इंटरवल के अंदर ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा सुना था, वहां पे मैक्सिमा मिनिमा चढ़ता है। आप सर्कल के अंदर बनने वाला सबसे बड़ा रेक्टेंगल ढूंढते हो तो आप बोल रहे होते हो दुनिया को द मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन अ सर्कल, तब आप मैक्सिमा मिनिमा सुन रहे होते हो। तो इसका मतलब यह कि जगह जगह आपने इनका नाम सुना होता है, और यह चैप्टर सबको कवर मारेगा। इसका दर्द यह कि यह सबको कवर मारेगा, ठीक है। इवन हम लोग अगर बाय द वे किन्हीं दो कर्व के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं तो शॉर्टेस्ट वर्ड में भी मिनिमम डिस्टेंस आ जाता है, तब भी मैक्सिमा मिनिमा उठेगा। माने हर वो चीज जो आपने पूरी दुनिया में कहीं पे भी मैक्सिमा मिनिमा चमका वो आपको इस चैप्टर में क्वेश्चन में दिखेगा। तो आप तैयार रहिए सबको वापस से वेलकम मारने के लिए, इसीलिए चैप्टर अलग चला जाएगा। क्या आप तैयार हैं? है ना, आपने तब तक ये लिख लिया होगा लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, मैंने पिछली बार आपको सब डेफिनेशन लिखा रखी है ना भाई। अच्छा, और ये बेसिक डेफिनेशन है, याद आ गया? क्या मैं मिनिमा की डेफिनेशन दोबारा लिखाऊं? याद रहेगा, है ना। तो लिख लेते हैं बस इतना सा पॉइंट, सेकंड पॉइंट फॉर लोकल, क्योंकि हमने ये बात लिख ली है इसलिए यहां पे भी लिख लेते हैं फॉर लोकल मिनिमा। आप लोकल लिखना पूरा, है ना, एल मिनिमा मत लिखना, फॉर लोकल मिनिमा। आप क्या लिखोगे, क्या बोलोगे, एफ ए जो है वो अगर एफ ऑफ ए माइनस एच से नीचा हो, और एफ ए जो है वो अगर ए प्लस एच से नीचा हो, माने दोनों साइड से अगर लेफ्ट और राइट दोनों साइड से नीचा होगा तो एक्स इज इक्वल टू ए इज
पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, याद आ गया आपको? ये आपकी बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है। अब आगे चलता हूं, बेसिक डेफिनेशन पे जो सबसे ज्यादा काम की चीजें आती हैं वो हैं क्वेश्चन कम, ग्राफ से बनने वाले क्वेश्चन ज्यादा, क्योंकि ग्राफ से बनने वाले क्वेश्चन जो होंगे ना वो उनके सर पे नहीं लिखा होता कि ग्राफ से बनेगा, उनको देखकर आप में से कई बच्चों को स्ट्रेट रियलाइज करता था यार इतना छोटा है इसके लिए तो ग्राफ ही कर लो, तब आपको क्लिक कर जाता है कि यार मिनिमा हो सकता है, ठीक है ना भाई। अब मैं आपको वापस याद दिलाता हूं, जैसे एक ग्राफ सोचते हैं, एक मेरे पास में ये ग्राफ है, ठीक है, हाँ भाई, इस पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम बी है, इस पॉइंट का नाम सी है, राइट है। आपको सोच के जवाब देना है, ठीक है। पहली बात, इज इट ए कंटिन्यूस फंक्शन और डिसकंटिन्यूस फंक्शन? डिसकंटिन्यूस फंक्शन अगर कभी भी है तो बेसिक डेफिनेशन के सिवा आप कुछ और यूज नहीं करेंगे, लिख लीजिएगा, फॉर डिसकंटिन्यूस एंड नॉन डिफरेंशियबल फंक्शन, नॉन डिफरेंशियबल फंक्शंस, आप तो पूरा लिखना, नॉन डिफरेंशियबल फंक्शंस वी यूज बेसिक डेफिनेशन ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, राइट है भाई। सबसे पहले आप ये लिख लें, हां भाई। अब टेल मी, ये ए क्या चीज है, मिनिमा या मैक्सिमा? कैसे पता ए क्या है, मैक्सिमा या मिनिमा? आप सोचो, ए पर जो हाइट है ना भाई, वो अपने जरा सा लेफ्ट होते ही यहां पे हाइट जा रही है, और जरा सा राइट होते यहां, मैं यही बात पकड़ में, ए पर जो हाइट है अपने लेफ्ट और राइट की हाइट के कंपैरेटिवली नीचे है, तो ए इज क्या है, लोकल मिनिमा, तो यहां पे लिख लेते हैं लोकल मिनिमा, लिख डालो। अब बताइए बी क्या चीज है, हां भाई बी के बारे में ख्याल पेश करो, बी पर जो हाइट जा रही है, बी पर हाइट बोले तो यहां, बी पर हाइट यहां जा रही है, बी से लेफ्ट होते इधर जा रहा हूं और बी से राइट होते उधर जा रहा हूं। अब आप बताओ बी पर हाइट जो है, बी पर जो हाइट है वो अपने लेफ्ट के कंपैरेटिवली ऊंची परंतु राइट के कंपैरेटिवली नीची, तो क्या बोलूं, मैक्सिमा या मिनिमा? दोनों ही नहीं, तो आप बोलोगे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ध्यान रखना, ये भी होता है कई बार। सी, हां भाई सी के बारे में क्या ख्याल है, सी पर जो हाइट है वो अपने राइट और लेफ्ट के कंपैरेटिवली ऊंचा है, आए ना, तो आप बोलोगे सी इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। आ जाओ अगले पॉइंट पे, नेक्स्ट, सही है। करो चर्चा, एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट, इसी के नीचे दूसरा पॉइंट लिखेगा, करो बात, है ना, लिखिएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा आर नोन एज पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा, क्या कहलाते हैं, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा, एक्सट्रीमा माने मिनिमम मैक्सिमा दोनों, राइट है, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा बहुत काम की चीज है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के पॉइंट ही पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा कहलाते हैं, ठीक है। हां भाई अब जरा क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे अपन लोग धीरे से, ठीक है, आइए। क्वेश्चन है पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू, दे रखा है मॉडुलस में एक्स स्क्वायर माइनस टू मॉड एक्स इन माइनस फोर टू सिक्स,
एक्स स्क्वायर माइनस टू मॉड एक्स इन माइनस फोर टू सिक्स। हाँ भाई, कितने लोगों को यह आइडिया है कि एक्स स्क्वायर इज इवन और टू मॉड एक्स इवन या ऑड? इवन। माने पूरा फंक्शन कैसे है? इवन है। इवन फंक्शन होने का खास बात यह होती है, ये फंक्शन मैं जानबूझकर के फंक्शन इज इवन ये बता रहा हूं कि आपको अगर ग्राफ सोचना है तो एक तरफ का सोचो, और अगर आपने राइट साइड का ग्राफ सोच लिया तो लेफ्ट का तो बिल्कुल उसकी इमेज होगी। इवन फंक्शन में एक खास बात होती है ना। अब देखो जरा, आपको अगर थोड़ा सा भी दिमाग में आ रहा है इसका मतलब समझना, अगर आप x ग्रेटर देन जीरो का ग्राफ सोच रहे हैं, अरे x ग्रेटर देन जीरो होने पर क्या होगा? अगर x ग्रेटर देन जीरो हो गया तो फंक्शन fx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? मॉडुलस में एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, यही होगा। आप में से कितने लोगों को यह आइडिया कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स में क्या कॉमन आता है? एक्स अंदर क्या बसता है? जल्दी जल्दी सोचो, एक्स माइनस टू का मॉडुलस। हाँ या ना? टर्निंग पॉइंट बोलो, जीरो और टू। श्योर है? इधर प्लस, इधर माइनस। श्योर? और इधर प्लस ले लो, लेकिन इधर वाला प्लस की जरूरत नहीं है। जब दो नंबर के बीच में माइनस होता है तो डोम नीचे, और प्लस होता है तो ऊपर। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स का ग्राफ ये बनने वाला था, लेकिन मॉडुलस लगने की वजह से नीचे का ग्राफ ऊपर चला गया और ये ग्राफ बन गया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स का। और अगर ये ग्राफ बना एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स का तो इधर वाला उसका रिफ्लेक्शन होगा। श्योर है? और अगर ये वाला इसका रिफ्लेक्शन होगा तो इसका रिफ्लेक्शन बिल्कुल ऐसा होगा और ये चीज ऊपर जा रही होगी। हाँ या ना? और अगर ये वाली चीज अगर ऊपर जा रही होगी तो आपने सभी को पता है ये वाला पॉइंट अगर टू तो ये वाला पॉइंट माइनस टू। अब आइए अपन बात करते हैं कहां से कहां की, माइनस चार से छह। आप पहले ये बता दो माइनस चार किधर है? माइनस चार इधर है, ले लो। अच्छा छह इधर कहीं पड़ेगा, सही है। माइनस चार से छह के दौरान ये पूरा ग्राफ काम में आएगा। हाँ है ना? ये पूरा ग्राफ काम में आ गया साहब मेरा। अब आप बताइए इसके मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट कहां कहां पड़ सकते हैं? नंबर वन, एक पॉइंट यहां कुछ ना कुछ मिलेगा, याद आ गया? लोकल मैक्सिमा नहीं आया? और इस जगह पे लोकल मैक्सिमा। और बताओ लोकल मैक्सिमा कहां मिलेगा? छह पर मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा या नहीं मिलेगा? एक बात बता दो, पहले ढंग से सोच के जवाब देना। छह से ठीक पहले छह माइनस एच अवेलेबल है, छह के आगे ग्राफ अवेलेबल है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि आपका डोमेन क्लोज हो गया। जब डोमेन क्लोज ही हो गया तो लफड़ा ही कट गया। नहीं आई बात समझ में? तो मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो बताओ। मिलेगा, जो अवेलेबल है उसमें तो वो ऊंचा है। लेफ्ट और राइट में जो अवेलेबल है उसमें तो ऊंचा है। अगर वो भी अवेलेबल होता और वो भी कंफ्यूज कर गया होता, कैसे? मान लो ये मुझे छह के आगे की भी इजाजत होती तो मैं कहता छह पर जो पॉइंट है वो अपने लेफ्ट से तो नीचा परंतु राइट से ऊंचा है, लेकिन अभी जरा का तो पॉइंट ही नहीं है, तो जो अवेलेबल है उससे तो ऊंचा है। अब आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि पॉइंट यह भी है कि अगर डोमेन के अंदर खेल रहे हैं और एंड पॉइंट पे खड़े हैं तो जो अवेलेबल है उससे अगर ऊंचा तो मैक्सिमा, और जो अगर अवेलेबल है उससे नीचा तो मिनिमा। अब आप बता दो माइनस चार पे अपने ख्याल पेश करो, मैक्सिमा या मिनिमा? मैक्सिमा, क्योंकि चार के ऊपर जो हाइट है वो चार प्लस एच से ज्यादा है, तो आप बोलोगे मैक्सिमा। नहीं आया? तो मैक्सिमा कितने पॉइंट पे बना? चार, चार माइनस चार पर, छह पर और इन दो पॉइंट पर। ये दो पॉइंट कैसे निकालूं? बिल्कुल, क्योंकि इन दोनों पॉइंट पे बनने वाला टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। नहीं आया? तो कैसे निकालूंगा? एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। तो आप में से किसी को पता है ये वाला फंक्शन, ये फंक्शन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स था कि नहीं था? तो ये वाली जगह पे डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा? जल्दी सोच लो, कितना? टू एक्स माइनस टू बराबर जीरो रख दो, एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया? वन। ये वाला पॉइंट एक्स इज इक्वल टू वन हो गया, और ये अगर एक्स इज इक्वल टू वन हो गया तो ये वाला पॉइंट एक्स इज इक्वल टू। अब आप बताओ लोकल मैक्सिमा पॉइंट लिख रहा हूं, लोकल मैक्सिमा पॉइंट में कौन कौन से पॉइंट? माइनस चार, माइनस एक, एक और छह लिख दो। अब आप लोकल मिनिमा पॉइंट बोलने वाले हो क्योंकि वही सबसे ज्यादा आसान है। मिनिमा सोचो, टू पर मिनिमा? श्योर है? क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों से नीचा, माइनस टू और जीरो। श्योर है? तो आपके लिए लिख देता हूं माइनस टू जीरो एंड टू, है ना भाई? अच्छा, अब मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन इसी के अंदर लगाता हूं, रेडी? हाँ,
वो फर्क नहीं, अभी तो जो लोकल मैक्सिमा है दैट कैन बिकम ए ग्लोबल मैक्सिमा, अपन पहले भी इस पे बता चुके हैं। क्या माइनस फोर मैक्सिमम है क्या? देखना ऐसे आ रहा है, मैक्सिमा की डेफिनेशन कहती है कि वो अपने लेफ्ट या राइट में दोनों से ऊंचा होना चाहिए, लेकिन अगर दोनों अवेलेबल हो तो दोनों से ऊंचा होना चाहिए, अगर कोई एक अवेलेबल है तो उससे ऊंचा होना चाहिए। नहीं आई है ना, तो अवेलेबल राइट साइड का ही है, ठीक है। अब मैं इस पूरे खेल को गंदा करता हूं, इसी क्वेश्चन को एक छोटा सा चेंज मारता हूं, ठीक है, और देखता हूं आप में से कितने लोग सोच जाएंगे। सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बस एक पॉइंट में जरा सा गड़बड़ कर दूंगा। मैं कहता हूं कि सपोज कीजिए क्वेश्चन होता, क्या क्वेश्चन होता, सपोज कीजिए क्वेश्चन होता पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा, ठीक है, फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू, सेम क्वेश्चन होता मॉडुलस में एक्स स्क्वायर माइनस टू मॉड एक्स इन माइनस चार कोमा छह। अब बताओ, अब आप बताओ लोकल मैक्सिमा पॉइंट क्या क्या होते, बोलो आप लोकल मैक्सिमा पॉइंट क्या होते, ओनली माइनस वन एंड वन, और लोकल मिनिमा पॉइंट क्या होते, माइनस टू जीरो एंड टू। क्या आपको बात पता चली? और आखिरकार चार और छह को हटाने की वजह, चार पे जा ही नहीं पा रहा था मैं, राइट आए बात समझ में, चुन चार और छह खेल से गायब हो गए, ठीक है ना। अरे ये भी सोचो, और मैं बताता हूं, सपोज क्वेश्चन ये भी नहीं होता, क्वेश्चन होता, ठीक है ना, सोच के जवाब देना, क्वेश्चन होता पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स प्लस दो, राइट है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स प्लस दो, और हम लोग ले लेते इन वन कॉमा टू। हाँ भाई, अब आप में से कितने लोगों को इसका ब्रेकअप आता है, क्या बोलो, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू ग्राफ आता है, वन यहां लो टू यहां लो, प्लस माइनस प्लस करो, और माइनस के कारण दो नीचे और ये ऊपर, यो ले जाऊं, ये ग्राफ बन गया लो साहब। अब मेरे को बताओ वन और टू ओपन के अंदर मैक्सिमा के पॉइंट, माने मेरा ग्राफ कितना काम में आएगा, मात्र इतना सा, जिसमें इस पर भी और इस पर भी व्हाइट बॉल। अब बताओ लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होगा ही नहीं, मिनिमा का तो जरूर होगा, नहीं आई समझ में? अगर बाय द वे ये दोनों क्लोज होते तो कितने पॉइंट होते लोकल मैक्सिमा के, कौन कौन से, वन एंड टू, बात समझ में आई? तो कहने का मतलब ये कि हेयर इट हैज नो मैक्सिमा पॉइंट, है ना, कितनी छोटी बात है, हाँ भाई। अब चिल्लर क्वेश्चन की जगह एक डंका क्वेश्चन कर लो, काफी है, यहां दे रखा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, कहां से कहां तक, माइनस वन से जीरो तक, और वन माइनस एक्स स्क्वायर जीरो से वन तक, और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स वन से टू तक, ठीक है, फाइंड मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट, कर लो, चलो ट्राई कर लें आप। क्या सिग्नम कहां आ गया, वो देखते हैं, ये फ्रैक्शन पार्ट है, इसकी मिरर इमेज यूं होगी, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस एक्स, किसी भी माइनस होने पर, किसी भी फंक्शन के माइनस होने पर राइट वाला की इमेज लेफ्ट में और लेफ्ट वाले की राइट में बन जाती है, पहले ये तो मिलाओ फिर सोचते ना अपन क्या दिमाग चलता अपना, ये मिल गया आपका फिर दिमाग लगाते हैं। हाँ भाई कितने लोगों का हो गया, ट्राई तो करें, देखो साहब मैं वही तो देख रहा हूं,
आपने माइनस वन से जीरो के दौरान फ्रैक्शन पार्ट एक्स माइनस एक्स बनाया तो आपको पता होना चाहिए आपका ग्राफ ये होगा दोनों तरफ बॉल। कारण बताएं दोनों तरफ बॉल होने का, क्या है? जीरो पर ओपन है और दूसरी तरफ की टांग रह जाएगी, वो जो इधर जा रहा होगा ना दूसरा, उसकी टांग फंस गई बेचारे की। आपने वन क्लोज पे काटा है, नहीं आई पहली गलती। अगर आपने ये टांग नहीं दिखाई तो ये पहली गलती थी जो आप कर सकते थे, क्योंकि ये जो इधर जा रहा था ना उसको आपने यहां से कट कर दिया, ये यहीं उलझा रह गया इसका फुट है कि नहीं। अब आगे चलो माइनस वन पर, क्योंकि अक्सर लोगों का ध्यान इधर रहता है, इधर उधर वाले में गलती कर बैठते हैं। अब दूसरे वाले में देखो वन माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ, अरे ये तो बहुत सिंपल है, y इज इक्वल टू पहली बात माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ और उसको एक ऊंचा कर दो, ये वन माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ। वन माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ का वो हिस्सा जो ये वाला हिस्सा है ना, ये जीरो से वन के बीच है, जीरो से वन के बीच आपको ये वाला पूरा हिस्सा कॉपी करना है और ये वाला पूरा हिस्सा यही होगा और दोनों साइड पर व्हाइट बॉल डार्क बॉल लगेगी, क्यों? क्योंकि क्लोज है, राइट है। अब आपने दूसरा काम कर लिया, अब तीसरे काम कर दो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का ग्राफ। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का ग्राफ यहां होता और दूसरा यहां होता, लेकिन वन पर ओपन है, एक मिनट सोचने देना, ठीक वन पर यहां होता तो वन पर बॉल, अच्छा और टू पर क्लोज है तो ये तो यहां तो होता ही है बॉल, लेकिन ऊपर वाले की भी टांग उलझ गई, नहीं आई बात समझ में? ये जगह हो गई वन और ये जगह हो गई टू, ये जगह हो गई जीरो। अब देखो पूरा ग्राफ में डॉट सारा खेल बिगाड़ रहे हैं आपका, और ये अगर डॉट आपको खेलने आ गए तो आपको सब आ गया। बताओ साहब वन इस डॉट के बारे में बोलो आप, टू कैसा पॉइंट है? मैक्सिमा, क्योंकि कंपैरेटिवली ऊंचा है। और वन कैसा पॉइंट है? वन पर कहां हो, यहां या ऊपर? नीचे, नीचे रह गए वन पर, नीचे रह गए, नीचे रह गए तो उसके राइट वाले से भी नीचे रह गए, उसके लेफ्ट वाले से भी नीचे रह गए, वन पर मिनिमा आ गया। अब आ जाओ बताओ जीरो पर कहां हो, ऊपर या नीचे? ऊपर, नीचे तो व्हाइट बॉल है तो ऊपर रह गए, ऊपर रह गए तो कंपैरेटिवली ऊंचे हो गए तो मैक्सिमा, राइट है। एक से मैक्सिमा के पॉइंट अलग करता जाऊं, मैक्सिमा के अब तक दो पॉइंट बता चुका आप, तो एक तो टू और एक जीरो, अच्छा और मिनिमा भी लिखना चालू कर देता मैं, मिनिमा के कितना पॉइंट आ गया वन, राइट है भाई। अच्छा अब बताओ माइनस वन पर, माइनस वन पर मिनिमा, श्योर? दो पॉइंट आ गए, खत्म। आएगा नहीं पकड़ में या नहीं आई, है ना? जीरो पर ओपन है ऑब्वियसली, ये बना ही नहीं चौक की वजह से, हाँ वो इतना छोटा में घूमता नहीं है, एक तो चौक स्मूथ नहीं है, जहां होता है एंड टाइम पे कोई अंदर इसके अंदर पत्थर आ जाता है तो जोर लगाने पे भी नहीं घूमता और गलत घूम जाता है फोर्सफुली, है ना भाई? ये तो कहानी आई, अब आपने ग्राफ से देखा, है ना भाई। आगे आते हैं सेकंड पॉइंट, ये अब आपको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का बेसिक फंडामेंटल आ गया, ठीक है ना। अब आते हैं सेकंड पॉइंट, ठीक है, अगला पॉइंट है अपना थर्ड पॉइंट उल्टा। हमने बेसिक डेफिनेशन में बात कर ली, ग्राफ पे बात कर ली है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए, कहीं हम भूल तो नहीं गए, एक्सट्रीमा के पॉइंट, मैक्सिमा या मिनिमा के पॉइंट, क्लियर है ना? ग्राफ समझना आ गया, ग्राफ में डोमेन पर, डोमेन के एंड पॉइंट पर जो अवेलेबल हो उसी से काम चलाएंगे, है ना भाई। आ जाइए थर्ड पॉइंट, अगर फंक्शन माने इफ फंक्शन इज डिफरेंशियबल, अगर फंक्शन डिफरेंशियबल है तब हमारे पास में मैक्सिमा मिनिमा निकालने के दो और तरीके हैं, ठीक है ना। देन वी हैव टू मेथड्स टू फाइंड पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा। हां साहब, अगर हमारे पास में dy/dx आ जाए तो हम दो तरीके और बता सकते हैं, और कौन कौन से दो तरीके? पहला तरीका है, ठीक है ना, fdt माने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है भाई, और सेकंड तरीका है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। कितने लोगों को यह आइडिया कि फर्स्ट डेरिवेटिव माने dy/dx, सेकंड डेरिवेटिव माने d2y/dx2, ठीक है। तो आ जाइए पहले बात करते हैं, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट पर, fdt, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करो मत,
ठीक है, सबसे पहले जैसा मैंने बोला इट इज डी वाई बाई डीएक्स बेस्ड, ठीक है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि थोड़ा सा बेसिक याद करो, आपको तो सब आने लग गया धीरे धीरे, ग्राफ भी आपने देखा है, x इज इक्वल टू a इज मैक्सिमम पॉइंट, क्या आप ये बात मानते हैं? अब तो आप ग्राफ से देखते पहचान लेते हैं, x इज इक्वल टू a इज मैक्सिमम पॉइंट। आप में से कोई बताएगा a से ठीक पहले फंक्शन इज और a के बाद फंक्शन इज? इसका मतलब ये कि आप कह सकते हो a से पहले फंक्शन वॉज इंक्रीजिंग, a के बाद फंक्शन वॉज डिक्रीजिंग, माने मैक्सिमा के पॉइंट से पहले फंक्शन इंक्रीज करता है और उसके बाद डिक्रीज करता है। अगर इंक्रीज करता है तो इस जगह से पहले तक डीवाई डीएक्स वॉज नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, क्योंकि इंक्रीज कर रहा था, और इस जगह के तुरंत बाद डीवाई डीएक्स नेगेटिव। क्या आपको बात समझ में आई? इसका मतलब यह है कि मैक्सिमा से पहले पॉजिटिव और मैक्सिमा के बाद नेगेटिव, बस इतनी सी बात। अब दूसरे पॉइंट के ऊपर बात करता हूं। अगर मैंने यही ग्राफ आपसे इसका बनाया होता और मैं पूछता हूं बताओ एक्स इज इक्वल टू ए इज मिनिमा, श्योर? तो a से पहले फंक्शन डिक्रीजिंग, श्योर है? तो अगर डिक्रीजिंग होता तो आप क्या कहते हैं, यहां पर dy/dx कैसा? नेगेटिव, और यहां dy/dx कैसा? dy/dx पॉजिटिव, श्योर है ना भाई? इसका मतलब यह कि दोनों ही केसेस में, चाहे मैक्सिमा का पॉइंट हो चाहे मिनिमा का पॉइंट हो, दोनों ही पॉइंट से पहले और बाद में dy/dx ने अपने साइन चेंज करे, और यही कंसेप्ट उन लोगों ने यूज करना चालू कर दिया। क्या यूज करना चालू कर दिया? कि अगर dy/dx एग्जिस्ट करता है तो वो लोग ये बोलने लग गए कि अगर आप x इक्वल टू a से पे पे खड़े हो तो तीन बातें सोच लो, पहले समझ तो लो फिर कॉपी कर लेना। क्या क्या हो सकता है? ठीक, x इक्वल टू a से पहले अगर आपका dy/dx पॉजिटिव से नेगेटिव हो, सुना, dy/dx का पॉइंट अगर पॉजिटिव से नेगेटिव हो, या क्या हो, आपका dy/dx जो है ठीक x इक्वल टू a से पहले है ना नेगेटिव और उसके बाद पॉजिटिव हो जाए, तो क्या क्या हो सकता है? सुना, याद रखने का तरीका बताता हूं। पूरा चैप्टर उल्टा है, पूरा चैप्टर उल्टा है। कैसे उल्टा है? किसी को पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है माने फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है। अगला दिवाली मनाएगा, कहेगा मैक्सिमा आ गया भाई, नहीं हो नुकसान रहा है लेकिन सामने वाला दिवाली मनाएगा, कहेगा मैक्सिमा आ गया। तो याद रखना, पॉजिटिव से नेगेटिव होगा तो समझना मैक्सिमा पॉइंट, एक्स इज इक्वल टू ए इज मैक्सिमा पॉइंट। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? Yes, अच्छा, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है सामने वाला, फायदे में कि नुकसान में? फायदे में, लेकिन रोना चालू करेगा, कहेगा मिनिमा आ गया। क्या आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, नहीं आई? आई? जरा देखो ये वाली बात सही है क्या? Yes, अगला पॉजिटिव इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हुआ तो हम क्या आ रहा था? मैक्सिमा। तो आप ये कब तक याद रखो? उल्टा याद रखो उसको, साइन से याद रखो। पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, नुकसान हो रहा है, सामने वाला दिवाली ठोकेगा कि दिवाली बनाएगा, मैक्सिमा आया, मैक्सिमा आया। और अगर भाई देवे नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए तो सामने वाले का फायदा होगा लेकिन रोना चालू कर देगा। और लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है, बच्चा तो ये सोचे सर ऐसा भी तो हो सकता है कल को नेगेटिव से नेगेटिव रह गया, हाँ या ना? तो याद रखना, अगर भाई देवे dy/dx नेगेटिव से नेगेटिव या पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रह गया तो याद रखना नो मैक्सिमा नो मिनिमा और नो मा, सही है कि नहीं? अरे कहानी पकड़ में नहीं आई भाई? दो प्रकार की माएं जानी थी हमने, एक तो मैक्सिमा एक मिनिमा, समझ रहे ना बात है ना? अरे तो अब हमने जानी नोमा, ठीक है? तो आपको ये बात समझ में आई? NMNM बहुत ही सिंपल है, ऐसा कुछ लंबा चौड़ा इतिहास है ही नहीं, खेल ही सिंपल आधार। हाँ भाई, तो याद रखना एक स्टार लगा देता हूं, ठीक है? एट पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा, एक्सट्रीमा के पॉइंट पर, एट पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा, ठीक है, dy/dx चेंजेस इट्स साइन। ये बहुत काम का कंसेप्ट है, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा से पहले और बाद में dy/dx अपना साइन बदलता है, और अगर नहीं बदलेगा तो पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा नहीं आया, नो मैक्सिमा नो मिनिमा आ सकता है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, ठीक है? आइए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे बात करेंगे हम, राइट है? सेकंड है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, पूरी तरह से d2y/dx² बेस्ड, ठीक है? और अगर मैं आपको मेरे मन की बात बताऊं तो बात है कॉनकेविटी बेस्ड।
करो मत। चलो ना आगे चलो। सेकंड डेरिवेटिव कहां से घुस गया आप? सेकंड डेरिवेटिव ने भी अपनी कहानी छापी। उसने कहा हमारी ये फोटो है भाई, हमारी है ये कॉन्केविटी डाउन है, वो कॉन्केविटी अप है, हमारे बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। तब लोगों ने कहा अरे इनको भी दो मौका, ठीक है, तब जाकर के सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट काम में आया। और आप यकीन नहीं करेंगे, ट्वेल्थ में ये पूरा बोर्ड इसी का है, पूरा बोर्ड एक एक क्वेश्चन 39 क्वेश्चंस हैं, बड़े बड़े एक एक पेज वाले 39 एक एक पेज वाले क्वेश्चन है। आरडी शर्मा लाइन के अंदर देता है सारे, इससे एक भी क्वेश्चन इसके द्वारा उधर नहीं है। तो आपको पता चल जाएगा 39 पेजेस आरडी शर्मा बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसका दम है। सब पूरा बोर्ड इसका है, बोर्ड में नंबर इसके हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट तो कंपटीशन के लिए बना है, ठीक है ना। अभी फिलहाल इस पे बात करते हैं। ये क्या है? ये कहता है कि पहला काम है ना, पहला काम क्या कीजिए, पहला काम आप पहले बेसिक समझाऊ या मेथड समझाऊ? पहले बेसिक समझ लो आप, ठीक है ना। सीधी बात है कि अगर भाई दिवे हम लोगों को पता चल गया ऐसा खेल है, तो अपने ऐसा खेल होने पर लोकल मिनिमा आएगा और लोकल मैक्सिमा आते ही कॉन्केविटी अप या डाउन? कॉन्केविटी, कॉन्केविटी अप जो है वो बोलो। ऐसे फोटो में कॉन्केविटी अप, कॉन्केविटी अप होते डी टू वाई बाई डी स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। मैंने कहा था पूरा चैप्टर उल्टा है। अगर डी टू वाई बाई डी स्क्वायर पॉजिटिव है तो हम सोचते हैं पॉजिटिव फायदा हो रहा होगा, लेकिन यह रोता है कि नहीं मिनिमा आया। और अगर कल को ऐसी फोटो आ रही है तो सबको पता है कॉन्केविटी डाउन है, लेकिन इस पॉइंट पर मैक्सिमा आया है ना। कॉन्केविटी डाउन और कॉन्केविटी डाउन होने पर मैक्सिमा आया, और मैक्सिमा आते ही डी टू वाई बाई डी स्क्वायर नेगेटिव। तो हम लोगों ने कैसे निकाला? पहली चीज सुना, पहली हमने कहा देख भाई तो ऐसे मुंह फुला के नहीं आएगा, पहले ये डी टू वाई बाई डी स्क्वायर पे नहीं जाएगा। तो हमने कहा देख जब भी तेरा ऐसी फोटो या ऐसी फोटो बनेगी तो 100% गारंटी है कि टेंजेंट जो होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो पहली कंडीशन हमने पहली रोकथाम लगाई कि सबसे पहली कंडीशन है फाइंड डी टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। सबसे पहले डी वाई एक्स इक्वल टू जीरो निकाल। डी वाई एक्स इक्वल टू जीरो जहां भी होगा वो पॉइंट सपोज कर दे रहा एक्स इक्वल टू ए है ना। तो आपको पता चला एक्स इक्वल टू क्या आया? ए आ गया। फिर सेकंड काम करो, फाइंड सेकंड डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अगर डी टू वाई बाई डी स्क्वायर के अंदर दूसरी बात फिर क्या करो, डी टू वाई बाई डी स्क्वायर में यही पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पुट करो। अगर कल को पॉजिटिव आ गया तो उल्टा गाओ मिनिमा आ रहा है, और कल को अगर नेगेटिव आ गया तो गाओ मैक्सिमा आ रहा है। बच्चे को मजा आता है, और सर कल को जीरो आ गया तो हाँ या ना, क्योंकि अगर आप उसे पॉजिटिव वाला होगा उसे पता ही है, नेगेटिव वाला उसे पता ही है, उसे मजा आएगा उस जगह जो उसे नहीं पता, हाँ या ना। तो वो खड़क से ने बात कहता है अगर कल को, सुना बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, क्या बोलता है? पहली बात, अगर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो और उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो जाए तो उस जगह पैदा होता है शक। शक ठीक है ना, शक किस बात का? शक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कौन सा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? जो सर आज आपने क्वेश्चन छुड़वा दिया था, बिल्कुल वही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का। अगर dy/dx इक्वल टू जीरो होने के बाद सेकंड डेरिवेटिव ना ग्रेटर देन जीरो हो, क्योंकि ग्रेटर देन जीरो माने मिनिमा, ना लेस देन जीरो माने मैक्सिमा, और अगर इक्वल टू जीरो होता है तो आपको होता है शक। शक होते ही ठीक है, शक होते ही क्या है देखो जरा समझना, शक होते ही क्या करोगे? शक होते ही आप एक बार और डिफरेंशिएट कराओगे, कराओ डिफरेंशिएट, अभी पता चलेगा। हाँ यार, अगर बाय द वे सेकंड डेरिवेटिव जीरो आ जाए और थर्ड डेरिवेटिव जीरो ना आए तो शक बदल जाता है यकीन में। किस बात का यकीन? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का, एक्स इज इक्वल टू ए पर। आई कहानी पकड़ में या नहीं आई? लेकिन लेकिन बच्चे को मजा आता है। और अगर सर थर्ड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू जीरो ना आए तो? ठीक है, यदि अगर आपने थर्ड डेरिवेटिव निकाला और एक्स इज इक्वल टू ए पुट करने पर जीरो आ जाए तो शक बेबुनियाद। याद आया? शक बेबुनियाद। लेकिन लेकिन बच्चे को फिर मजा आने लग गया, आपकी कहानी में मजा आ रहा है सर। देखो सर एक सेकंड, पहले आपने डी वर्ड एक जीरो निकाला, सेकंड डेरिवेटिव जीरो आ गया, अगर पॉजिटिव आता तो आप कहते मैक्सिमा, अगर नेगेटिव आता नहीं सॉरी अगर पॉजिटिव आता आप कहते मिनिमा,
अगर नेगेटिव आता आप कहते मैक्सिमा, लेकिन दोनों ही नहीं आए, वो तो जीरो आ गया, तो आपको शक हो गया मैंने अभी आपके मैक्सिमा भी नहीं मिनिमा भी नहीं है। अब आपने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए थर्ड एवरेजिंग निकाला, वो भी जीरो आ गया, अब वो शक भी बेकार गया। लेकिन आप सर आप तीनों से गए, आपके मैक्सिमा नहीं है, आपके मिनिमा नहीं है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से भी गए, अब क्या करोगे? चौथे को लाएंगे डी फोर वाई बाई डी एक्स की पावर फोर। फिर क्या होगा अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो आया? सुनना, फिर क्या होगा? सुना, या तो एक ग्रेटर देन जीरो आएगा, ग्रेटर देन जीरो आया तो मिनिमा, और अगर लेस देन जीरो आया तो मैक्सिमा, और अगर सर इक्वल टू जीरो आ गया शक। आई कहानी पकड़ में? शक होते ही देखो मैक्सिमा मिनिमा के बाद बंद हो गई, लेकिन अगर इक्वल टू जीरो आया तो फिर आप पांचों को फिर कोने में लेके आओगे? अगर पांचवा इक्वल टू जीरो हो गया तो शक बेबुनियाद, पांचवा नॉट इक्वल टू जीरो हो गया यकीन। माने हर बार बहुत ध्यान से सुनना, हर बार सेकंड डेरिवेटिव से सुनना चालू करना, सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ गया तो मिनिमा, फोर्थ डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ गया मिनिमा। माने इवन डेरिवेटिव जब जब पॉजिटिव आएंगे मिनिमा देंगे, इवन डेरिवेटिव जब जब नेगेटिव आएंगे मैक्सिमा देंगे, और अगर नॉट इक्वल टू जीरो और डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू जीरो आया तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन श्योर करेंगे। नहीं आई कहानी? इसे कहते हैं nth डेरिवेटिव टेस्ट। दोबारा सारी कहानी को एक लाइन के अंदर दोबारा से बोलना, चलो सारी कहानी की बेसिक शुरुआत है डीवाइड एक्स इक्वल टू जीरो होना। अभी भी नहीं आया भाई पूरी कहानी को? मेरे को पूरा पता है, मेरे को 100% पता है, सरकारी नोट्स यहां बंद, मैं इसे बहुत आगे ले गया खेल को, nth डेरिवेटिव पे खेल रहा हूं मैं दोबारा बोलता हूं। सुना, पहली कहानी की सबसे पहली शुरुआत है, पहली जरूरत है डीवाइड एक्स का जीरो होना, उसके बगैर हम बात ही नहीं करते। डीवाइड एक्स जीरो हो चुका है, सेकेंड डेरिवेटिव के पास एक ही ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है, कौन कौन से तीन ऑप्शन है? या तो पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं मिनिमा, नेगेटिव होते हैं और इक्वल टू जीरो होते हैं शक, और शक हमेशा होता है, और डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू जीरो करके उसे कंफर्म करता है। मैं दोबारा बोलूं, इवन डेरिवेटिव जीरो हुआ और ऑड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू जीरो हुआ तो शक यकीन में बदल जाएगा, किसके? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के। क्या आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई? आ गई है ना, देख लो है ना, क्या बोलना था? इवन डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो एंड ऑड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए भी मैं आपको सारी कहानी बता देता हूं, बस आप लिख लो ये, ठीक है, छोटी छोटी बातें बस पैकअप करेंगे अपन, ठीक है। पॉइंट क्या क्या था? अपना पॉइंट क्या चल रहा था? हाँ भाई, इसके ऊपर लिख लेना भाई, पीओआई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा का रोल खत्म हो गया, इसके बाद ये चल रहा है ना भाई, यहां तक मैक्सिमम मिनिमा, उसके बाद में अपना पॉइंट अगला चल गया था, है ना, सी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है भाई। क्या बात कहना चाह रहा था मैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पहली केस, पहली जरूरत, फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, दूसरी जरूरत, टेंजेंट एग्जिस्ट, तीसरी कंडीशन, ये थोड़ा शायद मेरा था टेंजेंट एग्जिस्ट करना, मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया, टेंजेंट एग्जिस्ट एंड क्रॉसेस, टेंजेंट एग्जिस्ट एंड क्रॉसेस, एंड इवन डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो ऑड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, इट इज नॉट पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा, ये एक्सट्रीमा में नहीं आता है, याद रखें। आज के दिन आपको कुछ नहीं करना, आपकी वो एक्सरसाइज टू आपने छोड़ रखी है, हो सके तो वो कर लेना आप,